राजधानी देहरादून में घायल घोड़े शक्तिमान के मामले में पुलिस ने भाजपा के मसूरी से विधायक गणेश जोशी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ईडी ने माल्या के लिए उपस्थिति की अवधि बढ़ाकर 2 अप्रैल की। प्रवर्तन निदेशालय में कर्ज नहीं चुकाने के मामले में फंसे उद्योगपति विजय माल्या के लिए काले धन की हेराफेरी मामले में उपस्थित होने की अवधि 2 सप्ताह बढ़ा दी गई है। ईडी ने जारी किए गए नए सम्मन में 2 अप्रैल को उपस्थित होने के लिए कहा है। कश्मीर मुठभेड़ में 2 विदेशी आतंकवादी मारे गए। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, हंदवाड़ा तहसील के वादरबाला इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 विदेशी आतंकवादी मारे गए। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार पर संकट। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार संकट में आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में बजट पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस के 12 असंतुष्ट विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि राज्य कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है और बीजेपी ऐसी कोशिश करती रहती है। जाटों के साथ वार्ता शुरू। कई शहरों में इंटरनेट सेवा ब्लॉक। जाट संगठनों और हरियाणा सरकार के बीच वार्ता शुरू हो गई है। जाट नेताओं से बातचीत हरियाणा के मुख्य सचिव और डीजीपी कर रहे हैं। वार्ता में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक और अन्य जाट प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। दूसरी ओर रोहतक सोनीपत सहित कई क्षेत्रों में इंटरनेट व व्हाट्सएप सेवा को ब्लॉक कर दिए जाने की सूचना है। केजरीवाल ने मोदी से सरकार के कामकाज पर ध्यान देने को कहा। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि वह विरोधियों की जासूसी छोड़कर सरकार के कामकाज पर ध्यान केंद्रित करें। केजरीवाल ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री को विरोधियों की जासूसी छोड़कर सरकार के कामकाज पर ध्यान देना चाहिए, जिसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। उत्तर प्रदेश पूर्व में एक क्लिक में होगा बिजली बिल का भुगतान। उत्तर प्रदेश पूर्व के 73 शहरों के बिजली उपभोक्ता अब सिर्फ एक माउस क्लिक से बिजली बिल का भुगतान कर पाएंगे। इसके लिए दूर संचार सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन और उत्तर प्रदेश बिजली निगम लिमिटेड ने हाथ मिलाया है। वोडाफोन के एम-पैसा प्लेटफॉर्म से कभी भी और कहीं से भी बिजली बिल का भुगतान किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दरकिनार सतलुज यमुना लिंक के खिलाफ प्रस्ताव पास। पंजाब विधानसभा ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए सर्वसम्मति से सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। पंजाब विधानसभा ने कहा कि राज्य के पास हरियाणा को देने के लिए पानी नहीं है। उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को मिली अंतरिम जमानत। जेएनयू देशद्रोह मामले में आरोपी छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। उमर और अनिर्बान को 25,000 के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस ने जमानत दोनों को 6 महीने के लिए दी है। किरण रिजिजू ने पोस्ट की नास्त्रेदामस की नमो भविष्यवाणी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने फेसबुक पर महान भविष्य दृष्टा नास्त्रेदामस की एक भविष्यवाणी साझा की है, जिसमें कहा गया है कि मोदी राज 2026 तक चलेगा। रिजिजू ने फेसबुक पर लिखा है कि नास्त्रेदामस ने 450 साल पहले ही बता दिया कि भारत में मोदी युग आएगा।